नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये धर्मपाल लाखड़ा जी मौजूद हैं जो मुंडका विधानसभा में कई साल से समाज सेवा करते आ रहे हैं। क्या लगता है कि मुंडका विधानसभा को वो चीज़ें नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी? सबसे पहली बात तो ये कि मुंडका विधानसभा में कुछ मिला ही नहीं है। हमारे यहाँ पिछले 27 साल से, इस बार तो हमारे आम आदमी पार्टी के ही विधायक थे जो एक नौकर पेशे आदमी थे और जिन्होंने पूरी समस्याओं का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। उससे पहले इस इलाके के अंदर साहब सिंह वर्मा फैमिली का वर्चस्व रहा है, असर रहा है। उन्होंने इस इलाके को कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई खेल ग्राउंड, कोई बच्चों के लिए, कोई महिलाओं के लिए, कोई बुज़ुर्गों के लिए कुछ भी नहीं दिया। वो सिर्फ अपना घर भरते रहे और सब कुछ अपने परिवार के लिए करते रहे, इलाके के लिए कुछ नहीं किया। इलाके में चारों तरफ गंद ही गंद फैला हुआ है। अभी भी कुछ कमियां हैं जिनको पूरा करना बाकी है और जो अगली सरकार आते ही और हम उन कामों को पूरी तरह से एक एक करके और पूरा करेंगे। कुछ बड़े काम बता सकते हैं जो भी रह गए मुंडका विधानसभा में? पूरे विधानसभा के अंदर कोई अच्छा स्कूल, कोई अच्छा कॉलेज, कोई अच्छा स्टेडियम, कोई अच्छा खेल ग्राउंड, कोई बुजुर्गों के लिए, कोई महिलाओं के लिए, कोई यहाँ तक आखिर से आखिर बात यह है, इस विधानसभा के अंदर कोई भी दो एकड़ का एक एकड़ का पार्क तक भी नहीं है जहाँ लोग सैर कर सकें। कार्यकर्ता रहते टाइम मैंने जो किसी भी धर्म जाति का, मुसलमानों की कई जगह जाम मस्जिदें बनी मैंने बनवाई, जहाँ भी मंदिर बने मैंने उसमें सहयोग किया, जहाँ भी धर्मशालाएँ हुई, जितने भी लोग जब भी लोग मेरे पास आए मैंने उनमें सहयोग किया। और जब भी मतलब कुछ दिन पहले यमुंडका में वो सफाई अभियान चलाया था मेरे लोगों ने, उसमें हमने बढ़ चढ़ कर काम किया। क्या लगता है लखड़ा जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर किससे है, बीजेपी से या कांग्रेस से? ऐसा वो तो पूरी दिल्ली जानती है, टक्कर तो किसी से भी नहीं है। सिर्फ हल्का सा बीजेपी कोशिश करेगी पहले के मार्जिन को कम करने के लिए, परंतु मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि शायद कहीं वो बेचारी बीजेपी पिछली जो 3 सीटें जीत कर आई थी कहीं वो 3 भी ना चली जाएं। ऐसा कैसे कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है? मैं इसलिए कहता हूं कि यहां दिल्ली के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है सेंटर में, उसके बाद से हर आदमी की जेब खाली है, ढीली है और बेरोजगारी है। हर आदमी तड़पता फिर रहा है, परेशान है। जब से ये नोटबंदी हुई है, GST लगाई है, फैक्ट्रियों में सीलिंग हुई है और कोई काम नहीं हुआ, मतलब लोगों का नुकसान ही नुकसान हुआ है। हर आदमी परेशान है, हर वर्ग। पहले व्यापारी परेशान है, उसके बाद व्यापारी जो मजदूरों को काम देते हैं वो परेशान है, मतलब हर आदमी की जेब ढीली है, मजदूर से लेकर के ऊपर व्यापारी तक। ये सारे मोदी जी जुमले छोड़ते थे कि भी अच्छे दिन आएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्हीं की नकल करते हुए मनोज तिवारी जी कह रहे हैं 5 गुना देंगे। अरे इनके कम से कम 10-15 स्टेटों में हिंदुस्तान में आज सरकारें हैं, वहाँ बिजली फ्री कर दो, महिलाओं के लिए जो बसें फ्री कर दो, वहाँ पर पानी फ्री कर दो, वहाँ जो 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 ये कह रहे हम ये फ्री देंगे, स्टूडेंटों के लिए कर दो, विधवाओं को की पेंशन कर दो, बुजुर्गों की कर दो। इन्होंने तो हरियाणा में भी कहा था हम 5100 रुपये देंगे, आज सिर्फ 500 रुपये बढ़ाए, इन्होंने क्या दे दिया? बीजेपी ये भी कह रही है कि भैया 5000 बसें लाने का वादा किया था, 100-100 बसें आ रही हैं। इसके बाद हॉस्पिटल बढ़ाने को कहा था, सिर्फ बेड बढ़ाए गए हैं, स्कूल भी नहीं बने हैं, सिर्फ और जो स्कूल पहले थे उनकी बिल्डिंगें बढ़ा दी गई हैं। इसको कैसे देखते हैं? उसका देखना ये कि हमारी बेचारी सरकार के पास जमीन अधिग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है, और तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे को जमीन ही नहीं दे रही, तो हम कहाँ से स्कूल हॉस्पिटल नए खड़े करेंगे? जमीन ही नहीं दे रही, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा काम रोक रखा है। नहीं तो अब तक तो हम और बहुत 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 काम कर देते, इन्होंने काम रोके हुए हमारे। प्राथमिकता क्या रहेगी मेरे इलाके के लिए? मेरी विधानसभा में जो मैंने कमियां गिनाई हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स स्कूल, पार्क, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए,
कुछ तो काम किया जाए, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, वो होना चाहिए। और वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जमीन देना, जमीन अगर वो देंगे तो हम ये सारे काम करेंगे। अगर इस तरीके से होता है कि जमीन नहीं मिलती है, बाद में भी केंद्र सरकार की तरफ से कुछ छोड़ा होता है, तो धरना भी के लिए भी आप तैयार हैं? बिल्कुल, केंद्र सरकार से पूरा संघर्ष करेंगे, लड़ कर लेंगे, पहले मांग कर लेंगे, उसके बाद लड़ कर लेंगे और जनता के लिए काम करेंगे हम। आम आदमी पार्टी ने तो अपना चेहरा दिखा रखा है कि ये रहेंगे, अरविंद केजरीवाल रहेंगे। हाँ। भाजपा के पास 7 चेहरे हैं। भाजपा के पास 7 चेहरे वो इसलिए हैं कि उनको एक एक आदमी को संघर्ष करने के लिए उम्मीदें जगाई गई हैं। अब तू भी अगला मुख्यमंत्री हो सकता है, तू भी अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। उन्होंने तो एक पंजाबियों में से ले लिया, एक बिहारियों में से ले लिया, 2 बणियों में से ले लिए, 1-2 जाटों में से ले लिया कि सभी वर्ग के कुछ ना कुछ वोट हमें मिल जाएं। और फिर बाद में अपनी मर्जी से कोई बिना घर बसाने वाला, जैसे हरियाणा में खट्टर साहब हैं, यूपी में योगी जी हैं, जिनको कभी ना घर बसाना आया, ना घर बसाया, ना उनको पता होता घर खर्च क्या होता है, ऐसा ही को ले आकर यहाँ दिल्ली में टेक देंगे। मुंडका विधानसभा में लग रहा है जी जो वर्चस्व रहा है वो कॉलोनीज का ज़्यादा रहा है, ठीक है, कॉलोनीज के लिए क्या प्लान है आपको? कॉलोनियों के लिए तो देखो हमारी सरकार ने, देखो अब मैं ये कहता हूँ, आज तक 72 साल के भारत के इतिहास में कॉलोनियों में जो केजरीवाल जी ने काम किया है और आगे जो करने का हमारा इरादा है, वो शायद हिंदुस्तान में किसी भी मुख्यमंत्री में वो मादा नहीं है। किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री जो है गरीब लोगों के लिए इतना काम नहीं कर सकता जो हमारे केजरीवाल जी ने किया है। हमारे साथ मुंडका विधानसभा से समाज सेवी लाखड़ा जी मौजूद थे। मुंडका विधानसभा में क्या क्या अभी तक काम नहीं हुए हैं वो हमने चर्चा की। इसके साथ साथ दिल्ली दर्पण टीवी कैमरामैन विजय कुमार के साथ पुनीत गुप्ता।